बच्चों, आज हम आपको बता रहे हैं चार अंकों का घटाना। चार अंकों का भूलेगा कोई नहीं, सारे बच्चे इधर देखेंगे तभी सीख पाएंगे। इसमें हमने 12 सवाल लिए हैं और हम ये स्ट्रिप लेंगे, स्ट्रिप से आपको घटाना बताएंगे। जोड़ने में हमेशा कैरी आती है, क्या आती है? कैरी। जो अभी हमने पिछली वीडियो में बताई, घटाने में हमेशा हम बारो करते हैं। क्या करते हैं? बारो मतलब उधार लेना। क्या लेना? उधार लेना। तो इसमें बारो होगा, बारो हमेशा करेंगे 10 का। कितने का? 10 का। 1 10 का, 1 10 लेंगे, उधार लेंगे किसी से। तो कितने लेंगे? 1 10। तो ध्यान से सुनो, पहला सवाल, ये सवाल लिखा हुआ है तो देखिए बच्चों, आवाज नहीं। यहाँ पर लिखे हैं 8, कितने लिखे? 8। यहाँ लिखे नीचे 9। क्या 8 में से 9 घट सकता है? नहीं घट सकता। तो क्या करेंगे? बराबर वाले अंक से बारो करेंगे 10। कितने करेंगे? 10। बोलो किसके समझ में आया? और 8 हमारे पास पहले के थे, कितने थे? 8 हमारे पास पहले के थे। 10 और 8 कितने हो जाएंगे? 18। कितने हो जाएंगे? बोलो ये किसके समझ में आई? यहां तक, फिर आगे बढ़ेंगे। भाई 8 में से 9 नहीं घट पाएंगे, तो इधर से हमने लिए कैरी, सॉरी 12 किया 10 का, और 8 हमारे पास पहले थे। 10 और 8 को जोड़ो, कितने हो जाएंगे? 18। इसको 8 को काट दो, इसमें से नहीं घटाएंगे 9, और इधर से हमें ले चुके हैं 10, इधर रह गए 3। इसके समझ में आएगी भाई? आ गई। अब 18 में से 9 घटाएंगे तो बच्चों कितने बचेंगे? अब इससे कैसे करेंगे? स्ट्रिप से इससे कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 18 यानी स्ट्रिप लेंगे इसमें से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कितनी ले ली हमने? बोलो किसके समझ में आई? हमने ले ली 18। काटना कितनी है, माइनस कितनी करने है? 9 निकाल दो इसमें से, बाकी बचो नीचे लिख देना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 18 दिया, अलग कर दी, कर दिया अलग। अब ये वाली कितनी बची? देखो इन्हें गिनने है कितनी बची, वो यहाँ लिखना है तुम्हें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितनी बची? अब 9 जो है प्यारे बच्चों, पहले अंक में से ये घटने के बाद आया 9। किसके समझ में आया? जाता है। अब आगे देखो, यहाँ पर हमारे पास 3, यहाँ पर 6, क्या 3 में से 6 घट जाएगा? नहीं घटेगा। तो फिर यहां से लेंगे 10, 12 करेंगे। क्या करेंगे? हमारे जेब में कितने थे? 3 रुपया, इन्हें जोड़ो कितने हो जाएंगे? 13। कितने हो जाएंगे? इसको कट कर दो, 13 में से घटाएंगे, और इधर कितने रह गए बच्चों? 2। इसे भी काट दो। अब देखो 13 में से 6 घटाएंगे। अब हम क्या कर रहे हैं? 13 यानी इसमें से स्ट्रिप क्या कर रहे हैं? गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी ले ली हमने? समझ में आया? अब घटाएंगे, माइनस कितना करेंगे? 6 निकाल दो इसमें से। कितने निकाल दें? 6 इसमें से। 1 2 3 4 5 6 इसे अलग कर दिया हमने। ये बची हमारे पास, ये बची, वो यहाँ लिख देंगे। तो गिनो इन्हें, ये अलग है। 1 2 3 4 5 6 7
कितनी बची? सात। कितनी बची? सात। सबकी समझ में आ रही है? यस सर। सात यहाँ लिख दो। देखो बात क्लियर हो रही है सबको? अब देखो यहाँ हमारे पास दो, दो। कितने हैं? दो। नीचे कितने हैं? क्या घट सकते हैं दो में से? नौ। नहीं घटेंगे तो क्या करेंगे? इधर से बारह करेंगे दस। कितने करेंगे? दस। और दो हमारे पास पहले के हैं तो ये कितने हो गए? बारह। बारह कितने हो गए? बारह। और बारह, ये बारह ऊपर लिखे हैं, इधर लिखे हैं, इधर से लिए दस लिए प्लस दो, ये हो गए बारह। दो काट दो ये। अब यानी बारह में से नौ घटाएंगे, बारह में से कितने घटाएंगे? नौ। तो बारह गिन लो पहले तो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह। कितनी गिन ली? कितनी हटाना है इसमें से? नौ। नौ हटाओ देखो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। कितनी घटा दी हमने? नौ। कितनी बची हमारे पास? एक दो तीन। ये लिख दो। समझ में आ रहा है सबके? और इधर से हमने बारह करा, इधर रह गए हमारे पांच। कितने रह गए थे? पांच। अब पांच में से चार घटाओ कितने बचेंगे? अब बताओ बच्चों किसके समझ में आया? ये सबके आ गया? सबके आया? अब एक सवाल मैं डायरेक्ट घटा रहा हूँ, इससे नहीं कराता हूँ, ठीक है? तो देखो ध्यान से अगला वाला। यहाँ पर लिखिए छह, यहाँ लिखिए चार। छह में से चार गए बच्चे, नौ में से पांच गए, चार में से छह घट जाएंगे। क्या करेंगे? इधर से कह लेंगे दस, दस और चार हमारे पास पहले आ गए, होगा चौदह। कितनों का? और इधर रह गए आठ, और चौदह में से छह जाएंगे तो बचेंगे आठ। कितने बचेंगे? आठ में से सात जाएंगे, कितने बचेंगे? पांच। बोलो किस किस के समझ में आया? बाकी सारे सवाल सारे बच्चे घर पे करेंगे और समझ में आ गया होगा सबके। थैंक यू भाई।